हे गाइस, कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों ने नरुटो को सोनी चैनल पे देखा होगा, और जब उसका सीजन वन आया था तो सब लोग एक्साइटमेंट से भरे फूले नहीं थे, और उसके जब सीजन वन खत्म हो गया तो सब लोग शॉक्ड में चले गए थे कि भैया नरुटो इतना लेट क्यों हो रहा है, इसके सीजन लेट क्यों हो रहे, आखिरकार नरुटो के सीजन इतना लेट क्यों होते हैं। उसके बारे में हम जब जानने की कोशिश कर रहे थे तभी सोनी ने एक धमाका किया कि हम सीजन टू, सीजन थ्री, सीजन फोर को एक साथ ला रहे हैं, जिसकी वजह से इतना लेट हो रहा है, इतने हमने महीने लगा दिए, बोल के सोनी ने ये रीजन हमें बताया। लेकिन ये रीजन कुछ और ही था, और नरुटो को सोनी कभी भी अपने चैनल पे होकर मतलब दिखाना चाहता है नहीं था। वो कार्टून नेटवर्क की कॉपी कर रहा था, और जब कार्टून नेटवर्क की कॉपी करते करते उसे मतलब मुकाम कामयाब मिल गया, तो उसने चाल चली तीन सीजन्स को एक साथ लाने की। आखिरकार क्या रीजन है जो नरुटो के सीजन्स मतलब इतने लेट होते हैं, और नरुटो के सीजन फाइव कब आएगा उसका भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आखिरी में क्या क्या सब कुछ बताऊंगा, उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मैं आपको बता दूं, अब से कुछ महीने पहले यानी कि 2022 के अंदर अनाउंसमेंट हुई थी कि नरुटो को सोनी चैनल पे दिखाया जाएगा, और दिखाया सिर्फ 26 एपिसोड्स को सोनी वालों ने, वो भी हिंदी डब के अंदर नहीं, बंगाली के अंदर, तमिल के अंदर, तेलुगु के अंदर, और बहुत सारे लैंग्वेज के अंदर उन्होंने दिखाया, जिसकी वजह से इसकी हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई। इसे प्रमोशन करने के लिए उन्होंने बहुत जगह अपना मतलब हथकंडा अपनाया, खासकर केबीसी के अंदर भी वो चले गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, सोनी वाले कुछ अलग मतलब तैयारी में थे, यानी कि सोनी वाले कार्टून नेटवर्क की कॉपी कर रहे थे। अब से कुछ साल पहले कार्टून नेटवर्क के ऊपर नरुटो आया था, वो भी हिंदी डब के अंदर, लेकिन वहां वो फ्लॉप हो गया और उसके कुछ सीजन ही आए थे, और उसकी कॉपी करके सोनी ने यहां अपना हथकंडा जमाया, और उन्होंने कॉपी किया सिर्फ 26 एपिसोड का। उनका सिर्फ मानना था कि हम सिर्फ 26 एपिसोड दिखाएंगे नरुटो को, और उसके अंदर कुछ टीआरपी आते, यानी कि कुछ फैंस उसके देखते, कुछ उल्लू लोग अगर नरुटो को देखेंगे तो हम आगे हथकंडा अपना दिखाएंगे। हाँ गाइस, हमें फैंस को उन लोगों ने उल्लू बनाया, और हम भी उल्लू बन गए, और हमें वो उल्लू समझते थे, क्योंकि जब टीआरपी सोनी चैनल पे बहुत ज्यादा मतलब बढ़ गई और बहुत सारे लोग नरुटो को देखना शुरू कर दिए, तो सोनी ने एक नया प्लान हथकंडा अपनाया कि अब हम सिर्फ 26 एपिसोड को डब कर पाए। हमारा प्लानिंग था कि हम कार्टून नेटवर्क की तरह कॉपी करेंगे, और अगर ये चाल चलती है तो हम लोग ओवर डबिंग करेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब इतना बड़ा गैप ले लिया और 26 एपिसोड को उन लोगों ने एक सीजन बता दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, 26 एपिसोड नरुटो का एक सीजन नहीं होता है, 52 एपिसोड नरुटो का एक सीजन होता है। उन्होंने हथकंडा और एक अपनाया नेटफ्लिक्स का, और उन्होंने बता दिया कि भैया नेटफ्लिक्स के अंदर 26 का एक मतलब एक सीजन बन रहा है, तो हम भी ऐसा ही अपनाएंगे, और उन लोगों ने उसको अपनाया और हमें दिखाया 26 एपिसोड मतलब एक सीजन होगा 26 एपिसोड का, बोल के हमें बता दिया। उसके बाद अपने कुछ महीने गैप लेने के बाद उन्होंने यह बताया कि हम लोग डबिंग कर रहे थे तीन सीजन का, यानी कि सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 का, जिसकी वजह से मतलब हमें इतना लेट होना पड़ा। लेकिन ये झूठ था, सरासर झूठ था कि भैया आप लोगों को इतना लेट हो रहा था तो आप सिर्फ एक ही सीजन को दिखाते, ना कि सीजन 2 को दिखाते, इसके बाद सीजन 3 को दिखाते, सीजन 4 को दिखाते, आपके पास प्लानिंग थी, प्लॉटिंग थी, लेकिन नहीं, हमें उल्लू बनाने के लिए उन्होंने और एक हथकंडा अपनाया। और अब सीजन 5 का और एक हथकंडा वो ये अपना रहे कि अब लोग सीजन 5 नहीं, वो लोग सीजन 6 को भी लाएंगे, सीजन 7 को भी लाएंगे, सीजन 8 तक लाएंगे, और पूरे सीजन को वो खत्म कर देंगे, उनका प्लानिंग यही है। और कुछ लोग अब ये कह रहे कि इसकी मूवी आएगी तो घंटा आएगी इसकी मूवी तो आप लोगों को 2024 के अंदर देखने के लिए मिलेगी, अब तो कुछ भी नहीं देखने के लिए आपको मिलने वाला है। मतलब सोनी ने कार्टून नेटवर्क का इतना कॉपी करके अपने प्लानिंग को इतना एक्सीक्यूट किया कि मैं आपको क्या बताऊं। एनीमे, हां गाइस, उन्होंने और एक चीज हथकंडा अपनाया कि पहले उसने सोनी के ऊपर उन्होंने कुछ जापानीज के एनिमेस को दिखाया, उसके बाद ही वो नरुटो को लेके आए थे। लेकिन यहां सोनी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, सेंसरशिप का प्रॉब्लम, पेरेंट्स का प्रॉब्लम, उन सबको उन्होंने हटा के अपने सोनिया के ऊपर नरुटो को दिखाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सीजन 5 कब आएगा? तो गाइस, कुछ सूत्रों से पता चला है कि सीजन 5 आ सकता है अप्रैल के अंदर, और ये अप्रैल फुल भी हो सकता है हमारे लिए सबके। लेकिन अगर सीजन 5 अप्रैल के अंदर आ रहा है तो उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो में जरूर दूंगा। गाइस, आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। मिलते हैं गाइस इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।